तो पावर पॉइंट में किसी नाम के पीछे आग जलने वाला इफेक्ट कैसे डाला जाता है आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट खोल लेना है पावर पॉइंट खोल लेने के बाद आपको इंसर्ट टेप पे क्लिक करना है इंसर्ट टेप पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेप पे। तो एक सेप का लिस्ट खुल जाएगा इस लिस्ट में से आपको रेक्टेंगल सेप को लेना है और रेक्टेंगल सेप यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बना लेना है चलिए हम रेक्टेंगल सेप यहाँ पर ड्रॉ करके बना लेते हैं ये बन गया बन जाने के बाद आपको क्या करना है इस शेप का जो फील कलर है इसको आपको कर देना है ब्लैक और उसके बाद इस शेप पे राइट क्लिक कीजिए और इन टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और शर्मा जी का नाम लिख दीजिए चलिए लिख देते हैं शर्मा जी तो शर्मा जी हमने टाइप करके लिख दिया अब लिखने के बाद इस नाम को आप सेलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए जितना मैक्सिमम बड़ा हो सके तो चलिए हमने बड़ा कर दिया और इसको बोल्ड कर दीजिए बोल्ड करने के बाद इसका जो फॉन्ट है इसका फॉन्ट बदल दीजिए एरियल ब्लैक में चलिए कर देते हैं एरियल ब्लैक थोड़ा तो सा छोटा कर लेते हैं बड़ा हो गया है तो ये हमने देखिए नाम लिख लिया सेप के अंदर अब आपको क्या करना है इसको सेलेक्ट करना है और इसको कट कर लेना है राइट क्लिक करके कट कीजिए या फिर कंट्रोल के साथ एक्स बटन को दबाइएगा तो भी कट हो जाएगा तो चलिए हमने लिखा और लिख करके कट कर दिया कट करने के बाद अब आपको इसको फिर से पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए आपको पेस्ट ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और पेस्टेज पिक्चर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यानी पिक्चर के रूप में इसको पेस्ट कर लेना है तो चलिए हमारा जो लिखा हुआ था ये फिर से आ गया तो इस जगह पर देखिए पन्ना का साइज से थोड़ा सा छोटा है इसको बराबर कर लेंगे यहाँ पर चलिए इसको बराबर कर लेते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ तो आ गया अब इसके पीछे चूंकि आग जलने वाला इफ़ेक्ट डालना है तो आग जलने वाला एक वीडियो या फिर आग जलने वाला एक तस्वीर आप गूगल क्रॉम से डाउनलोड कर लीजिएगा हम पहले से डाउनलोड किए हुए चलिए उस तस्वीर को ले आते हैं उस तस्वीर को लाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करेंगे और दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस डायलॉग बॉक्स में देखिए हमारा आग जलने वाला तस्वीर यहाँ पे है इसको चलिए हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं तो ये इंसर्ट होकर के हमारा आ गया अब इसका साइज उतना बड़ा ही रखेंगे जितना बड़ा में हमारा लिखा हुआ है एकदम सेम साइज़ का रखना होगा आपको तो चलिए इस साइज़ को हम बराबर कर लेते हैं ये और इधर भी आपको साइज़ बराबर कर लेना है चलिए ये हो गया आपका साइज़ और एक चीज़ ध्यान रखना है Osionfish. कि इसका साइज जो है इधर आपको बड़ा कर लेना थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इसलिए क्योंकि इधर से हम इसको रोटेट करेंगे तो बड़ा कर लेने के बाद अब इसको सेंड कर देना है पीछे तो इस तस्वीर को अब आप आपको पीछे करना है तो पीछे करने के लिए फॉर्मेट टेप पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कीजिए तो आग वाला तस्वीर जो है आपका पीछे हो जाएगा अब ऊपर वाला तस्वीर को सेलेक्ट कीजिए और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जो कि आपको फॉर्मेट टेप पे दिख जाएगा और सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे आपको क्लिक करना है और वाइट वाला जो पोर्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो देखिए आपका जो आग है वो तो नाम के पीछे दिखने लगा है अब क्या करना है अब आपको पीछे वाला तस्वीर को सिलेक्ट करना है पीछे तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको एनिमेशन डालना है एनिमेशन क्या डालना है भाई तो एनिमेशन डालना है आपको लाइन इफेक्ट तो लाइन इफेक्ट देखिए यहाँ पर है तो लाइन वाला एनिमेशन डालना है और यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑप्शन आपको जो रखना है ये आपको रखना है राइट right. चलिए ये हम डाल दिए अब इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको जाना है ट्रांजिशन पे और यहाँ से ऑन माउस क्लिक वाले ऑप्शन से टिक हटा देना है और आफ्टर वाले पर टिक लगा देना है और अप्लाई कर देना है उसके बाद जाना है आपको स्लाइड सो टेप पे और सेटअप शो so पे क्लिक करना है तो एक बॉक्स खुलेगा इसमें लूप वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है और ओके okay पे क्लिक करना है तो चलिए अब इसको चला करके देखते हैं अब क्या करना है कि अब आपको कीबोर्ड से एफ फाइव को प्रेस करना है तो देखिए शर्मा जी के नाम के पीछे जो है आग जो है जल रहा है तो इस प्रकार से पावर पॉइंट में आप किसी भी नाम के पीछे आग जलने वाला एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देगा चैनल को लेगा सब्सक्राइब